कि UPSSSC से जो वैकेंसी निकली है युवा कल्याण अधिकारी की, तो उसका आखिर सिलेबस क्या है ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकें अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी शायरी बोलना चाहूँगा कि वक्त हर गम भुला देता है, वक्त हर गम भुला देता है जब महबूब से मिला देता है। तो दोस्तों, आप लोगों का महबूब है जॉब, काफ़ी मशक्कत के बाद आखिर UPSSSC चालू हो गया है और आपके महबूब मतलब जॉब से मिलाने की तैयारी कर रहा है, तो आप सारे गम गिले शिकवे जो UPSSSC से अब तक थे वो आप भुला दीजिए और आप जॉब की प्रिपरेशन में लग जाइए। चलिए दोस्तों, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आखिर सिलेबस क्या क्या है। दोस्तों, एक बार जल्दी से बता देता हूँ, दोस्तों टोटल नंबर ऑफ आपके पोस्ट हैं वो 694 हैं और एग्जामिनेशन डेट जो आप लोगों की मई में एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों के पास अभी 2 महीने है प्रिपरेशन करने के लिए। तो देख लेते हैं आकर सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाने हैं इस पेपर में। दोस्तों, आप लोगों का इसमें रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, जनरल नॉलेज आएगा और जनरल मैथ्स आएगा। ओवरऑल आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टाइम ड्यूरेशन जो है आप लोगों की 2 घंटे के लिए आपको टाइम मिलेगा। दोस्तों, ये बिल्कुल ही पैटर्न SSC के पैटर्न से बिल्कुल मैच करता है। SSC में भी यही सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बिल्कुल ही सेम उससे रिलेट है। तो आप लोग SSC की तैयारी कर ही रहे हैं तो साथ में इस पेपर को भी देख लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, डिटेल में जान लेते हैं आखिर इन जो सब्जेक्ट है उनका आखिर सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए आप लोगों का परसेंटेज है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एलजेब्रा हुआ और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इन्हें पढ़ूंगा नहीं सबको, मैं आप लोगों को एक जल्दी से बता दे रहा हूँ आखिर क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, ये जैसे कि इंटरेस्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन है, फैक्टर्स है। तो दोस्तों, बाकी सारे के सारे वही टॉपिक्स हैं जो SSC में पूछे जाते हैं। दोस्तों, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है, एवरेज हुआ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, लॉगरिथम्स, वैसे लॉगरिथम्स उसमें SSC में नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, वार चार्ट, पाई चार्ट, सिंप्लीफिकेशन। तो ये एक जल्दी से ओवर भी मैंने बता दिया सबके सबका मैथ्स का। तो मैथ्स में ये सब पूछा जाना है, बिल्कुल ही SSC से मैच खाता हुआ। और रीजनिंग में भी दोस्तों ये देख रहे हैं आपके सारे के सारे वही टॉपिक्स हैं बिल्कुल ही करके, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हुआ, कॉज एंड इफेक्ट हुआ, थीम डिटेक्शन हुआ, ये सारे के सारे टॉपिक्स SSC में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल ही उससे मैच कर रहा है। और जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाना है, जनरल नॉलेज में आपका न्यू इन्वेंशन क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और नेशनल न्यूज़ जो करंट में चल रही है, और इंडियन कल्चर हुआ आप लोगों का, कंट्रीज एंड कैपिटल्स। अब दोस्तों, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, GS बिल्कुल वैसी है जैसी SSC में पूछी जाती है, पूरा का पूरा पैटर्न ही वही है। इंग्लिश में भी दोस्तों वही बिल्कुल सब कुछ ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ आप लोगों का, ग्रामर में तो पूरा ग्रामर ही आ जाता है, डिटर्मिनेशन, टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, बिल्कुल ही उससे मेल खाता हुआ है, एक्टिव पैसिव, नॉन फाइनाइट वर्ब्स फॉर्म्स और प्रोनाउंस हुआ आप लोगों का। अब जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं थोड़ा, जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है जो बैंकिंग से मिलता जुलता है, जैसे बजट हो गया आप लोगों का, बुक्स एंड ऑथर, इम्पोर्टेंट डेज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स जो हाल में करंट अफेयर्स चल रही होती है। तो दोस्तों, जो लोग भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैंने सिलेबस बता दिया है, सिलेबस यही है। तो आप लोग स्टार्टिंग में लग जाइए अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में, क्योंकि टाइम अभी आप लोगों के पास 2 से 2.5 महीना आप लोगों के पास है, तो अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से और वीडियो लेके आता हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, और अपने कमेंट्स आप देना चाहें तो दे सकते हैं।